अब तक आपने देखा करजत के कॉटेज में सिद्धि जल जाती है और उसे लगता है कि आग विनायक ने लगाई है। डॉक्टर प्रतिमा सिद्धि की जान बचाती है और उसे अपनी स्वर्गवासी पोती रिद्धि का चेहरा देती है। सिद्धि अब एक नए चेहरे के साथ विनायक से बदला लेने आती है उसकी पर्सनल असिस्टेंट रिद्धि सिन्हा बनकर। होली पर उसे पता चलता है कि विनायक ने उसे कॉटेज में जलाकर नहीं मारा। गुरुजी शंकर और मंजरी को बताते हैं कि विन की कुंडली में मृत्यु तुल्य योग है, अगर उसकी शादी एक अखंड सौभाग्यवती से ना हुई तो विन का मरना निश्चित है। रिद्धि विनायक की अखंड सौभाग्यवती बनकर उसे मौत के मुंह से बाहर ले आती है, पर विन की मानसिक हालत खराब होने के कारण ये बात उससे छुपाई जाती है। रिद्धि इस बात से अनजान है कि मंजरी विन को मारने की कोशिश कर रही है। विन को रिद्धि से प्यार होने लगता है और वो अपने दिल का इजहार करने ही वाला होता है कि उसे रिद्धि के गले में मंगलसूत्र दिख जाता है। मंजरी फिर से कांता को हॉस्पिटल में मारने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब हो जाती है। आखिर वो बुरखे वाली औरत कौन थी जो अस्पताल में आई थी कांता जी को मारने? रिद्धि की मुलाकात जूही से होती है जो उसकी जान बचाती है। अब आगे ठीक है डॉक्टर जूही, तो अब मैं चलूं? लेकिन आप मेरे साथ चलो ना मेरे घर। बेबी मैं घर नहीं आ सकती आपके, मिष्टी को बहुत सारे काम है। एक मिनट दीवा दीदी फोन दो। इसमें अपना नंबर डायल करो और आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे पक्का मिलने आऊंगी। मैं पक्का आऊंगी, प्रॉमिस। इसमें डायल कर दो। मैं वही सोच रही थी कि आज इसने अपना फोन नहीं मांगा, वरना बेबी तो हमेशा ही फोन पर लगी रहती है। इतनी छोटी बच्ची फोन यूज करती है? जूही आप फोन यूज करते हो, आपकी आंखें तो खराब हो जाएगी। मुझे पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं जाऊं? पक्का मिलाऊंगी ना? पक्का आऊंगी। पक्का पक्का। हेलो, आप मुझे पक्का मिलाओगी ना? पक्का। अज बोतला खुलन दो, दारू शारू डुलन दो, विस्की दा पैग लगा के सारी दुनिया पुलन दो। अच्छे खासे शांति और सुकून से सेट पे बैठे थे और तू मुझे यहाँ ले आई। रिलैक्स डूड, मेरा तुम्हें यहाँ लाने के पीछे एक खास मकसद था। खास मकसद? रुकिए हुजूर, पहले मैं आपको इजहारे अमृत तो पिला दूं। अब ये इजहारे अमृत क्या है? ये एक ऐसी चीज है जिसे पीकर इंसान अपना दिल खोल कर रख देता है। एक्सक्यूज मी, Get me two tequila shots. Please, for me. Okay. One more. वैसे आप? For me. Okay.
चलो बेबी मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर कहाँ उस पर्सनल असिस्टेंट के चक्कर में पड़ गए? बोलो ना। वो सिर्फ मेरी पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, उससे भी बढ़कर है वो। तुम्हें पता है मेरा हर काम वो बोलने से पहले ही कर देती है। मैं सोचता बाद में हूं, उसे पता पहले चल जाता है। उसे सब पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए। कभी कभी तो मुझे हक से डांट भी देती है, और कभी कभी बच्चों की तरह जिद करने लग जाती है। पता है जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसने दिन रात मेरी देखभाल की, मेरे साथ रही हो। मेरे एक तरफ मेरी माँ थी और दूसरी तरफ वो। वेन, तुम उस रिद्धि को अपनी माँ से कंपेयर कर रहे हो? वेल, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में किसी को भी अपनी माँ के बराबर की जगह दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ तो मुझे बहुत बहुत से भी ज्यादा प्यार करती है। और रिद्धि, क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? पापा, क्यों मंजिल के करीब पहुंचते ही मेरे रास्ते हमेशा उलझते जाते हैं? अभी कांता मिली तो मुझे लगा मैं उस इंसान के करीब पहुंचूंगी जो वीनू की जान लेना चाहता है। अब तो कांता भी कोमा में चली गई। ये क्या हो रहा है पापा? यही सवाल तो मैं भी पापा से पूछ रही हूँ। क्यों मेरा विनायक अब भी सुरक्षित नहीं है? देखिए ना माँ, ये बात मैंने सिर्फ आपको बताई थी और देखिए क्या हो गया। माँ, दादी के अस्पताल में पुलिस का कड़ा पहरा था, उसके बावजूद कांता जी पर जानलेवा हमला हुआ। किसने किया होगा ये सब? माँ एक बुरखे वाली औरत थी जिस... एक मिनट, तुम दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि बुरखे में औरत ही थी? आदमी भी तो हो सकता है ना? माँ, उस हवलदार ने साफ साफ कहा था कि एक बुरखे वाली औरत आई थी उससे बात करने के लिए। और माँ, जब मैं उसके पीछे पीछे भाग रही थी तो मैंने साफ साफ देखा था कि वो एक औरत ही थी, मुझे पूरा यकीन है। और माँ, मुझे ये भी यकीन है कि मनबीर भैया, राजबीर, प्राची, गौरी भाभी, ये सब नहीं है इसके पीछे। और माँ, आपको तो अच्छे से याद है ना कमिश्नर साहब ने क्या कहा था? कोई घर का ही सदस्य है जो विंसर की जान लेना चाहता है। तो अगर ये लोग नहीं है तो कौन हो सकता है? अरे देवा, कहीं ये मुझ पे तो शक नहीं कर रही? तो फिर घर में तो दो ही लोग बचे, मैं और शंकर। नहीं माँ, पापा जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो कहीं तेरा शक मुझ पे तो नहीं जा रहा है? माँ, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। आप विंसर की माँ हैं, एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्या करूं रिद्धि, क्या करूं मैं? मैं बहुत परेशान हो रही हूँ रिद्धि। इतना सब कुछ होने के बाद मैं अपने आप को संभालूं तो कैसे संभालूं? माँ माँ, प्लीज संभालिए अपने आप को। जब तक मैं हूँ तब तक मैं विंसर को कुछ नहीं होने दूंगी। बापा, जब तक मैं उस इंसान का पता नहीं लगा लेती तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाली। माँ, मैं विंसर का पता लगा कर आती हूँ। ओफो मिस्टर विना, एक बार फिर से लगाती हूँ। हाय जुई बेटा। ओफो मिस्टिक, कितनी बार फोन करना पड़ता है तुम्हें? तुम्हें काम में बिजी थी ना, इसलिए। जो माफ किया, बस इतना बताती जाओ कि कहाँ जा रही हो? मैं काम से बाहर जा रही हूँ। मेरे पापा कहते हैं 10 बजे के बाद अच्छे बच्चे घर पे ही रहते हैं,
अच्छा तो अभी तो आपको सो जाना चाहिए फिर। वैसे आप कितने बजे सोने वाले हो मिस्टी? मैं लगता है पापा आ गए। चलो बाय मिस्टी। इतनी प्यारी बच्ची है। रिद्धि, इस रिद्धि का मैं करूं तो क्या करूं? इसने पहचान लिया है कि विनायक की जान के पीछे एक औरत है। इसका मतलब इसे मुझ तक पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। ये तूने क्या कर दिया मंजरी, क्या कर दिया तूने? विनायक नाम के तिनके को निकालने के लिए रिद्धि नाम की तलवार ले आई। अबले तेरी गर्दन पे लटकी पड़ी है ये तलवार मंजरी। रिद्धि बेटा, माँ मैं विंसर को कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे हैं। मैंने उनके ड्राइवर मदन को भी कॉल किया, वो भी फोन नहीं उठा रहे। माँ प्लीज एक बार आप अपने फोन से फोन कीजिए ना, देखिए ना आपका फोन जरूर उठा लेंगे वो। हाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है। माँ एक और बार कॉल कीजिए ना प्लीज। माँ ये किसकी तस्वीर है? ये विनायक की बचपन की फोटो है। विन सर की? हाँ लेकिन इसमें तो विन सर लग ही नहीं रहे। मैंने उनकी बचपन की तस्वीरें देखी हैं। अब तूने मेरे नालायक की बचपन की तस्वीरें कब देखी है? हाँ अब वो माँ पिछली बार जब पोहा पार्टी हुई थी ना तब पापा जी ने एल्बम में मुझे विंसर की बचपन की तस्वीरें दिखाई थी तब। लेकिन माँ इस तस्वीर में तो विंसर बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं। मदन का फोन। हेलो मदन, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और विंसर कहाँ है? मैडम विंसर रॉक द नाइट पब आए हुए हैं मोना मैडम के साथ। रॉक द नाइट पब मोना के साथ? माँ मैं अभी आती हूँ। हाँ अब बहुत पहनी नजर है रिद्धि तेरी, सही पहचाना तूने? ये विनायक की तरह नहीं दिखता। कैसे दिखेगा, ये विनायक है ही नहीं तो, और ना ही विनायक इसकी जगह ले सकता है, क्योंकि ये मेरा सगा बेटा, मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा सगा बेटा। और ये है मेरा सौतेला बेटा, मेरा नौलायक विनायक। लेकिन इसे तो पता ही नहीं है, बेवकूफ, कुछ भी नहीं जानता। ये बेचारा तो मुझे अपनी माँ मानता है। इस ममता की आड़ में मैं अपने मकसद को आसानी से अंजाम दे सकती हूँ, और मेरा मकसद एक ही है, मेरे सगे बेटे का हक दिलाने के लिए अपने सौतेले बेटे नालायक विनायक की बलि चढ़ाना।
अब सबसे पहले रिद्धि को रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद तो इस नालायक को रास्ते से हटाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना चाहने लगा हूं। उस दिन ही तो कहने आया था मैं तुम्हारे पास, लेकिन लेकिन क्या? उस दिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया भी था। क्या? सिर्फ तुम्हारे लिए। मतलब विष्णु मोना से प्यार करता है और उसने उसे प्रपोज भी कर दिया। कपल सो रोमांटिक, चल एक सेल्फी लेते हैं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हर दम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे। नैना
जो सांझ ख्वाब देखते